गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऐसे एक प्लांट के बारे में जो बहुत ज़्यादा आसानी से कटिंग से ग्रो हो सकता है और समर्स के लिए बहुत अच्छा प्लांट है ये। और जब इसमें फ्लावरिंग आती है तो बहुत ज़्यादा बंच में फ्लावरिंग आती है और ये आप इजीली कटिंग से इसको ग्रो कर सकते हैं। आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, आप इसको जो साइड वाले छोटे प्लांटर होते हैं उसमें लगा सकते हैं। और ये हमारा है पोर्टुलाका प्लांट है, जिसको हम 9 o'clock के नाम से भी जानते हैं। ये वाला प्लांट कई तरह के कलर में आता है, रेड, येलो, पिंक, मल्टी कलर में, शेड वाले प्लांट में। और ये कटिंग से आराम से आप कहीं भी इसको लगाइए, पूरे साल ये प्लांट में पूरी कटिंग से चलता है ये और बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। जब आप इसके ऊपर से प्रूनिंग कर देते हैं तो ये बहुत अच्छी उसकी फिर बुशी बनता था ज़्यादा से ज़्यादा। आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाइए और उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये। मैंने यहाँ पर कुछ कलर वगैरह करा था पेंट, तो उसका भी दिखाता हूँ आपको एक बार। मुझे भी गेट करना है यहाँ पर मेरे पास प्लास्टिक पेंट अभी दूसरा अवेलेबल नहीं है, तो जैसे अभी थोड़ा लॉकडाउन के बाद में यहाँ पे भी इस पर जहाँ तक है तो वाइट कलर का कुछ और भी शेड करूँगा इस पर गेट पे। तो अभी जो अवेलेबल था मेरे पास वो तो मैंने कर दिया साइड वाली बॉर्डर पे। तो बात करते हैं हमारे प्लांट के बारे में, तो वो है हमारा पोर्टुला का प्लांट। इसको आप कैसे कटिंग से लगा सकते हैं, ये मैंने इस तरह का लिया है पोर्ट, जो मिट्टी के पोटा थे ये लिया है मैंने। तो ये ऑलरेडी इसकी जो सॉइल इसमें है, ये मैंने इसमें सॉफ्ट इस सॉइल है, ये देख सकते हैं आप, इसमें वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट का मिक्सचर है ये। इसमें मैंने अभी वाटरिंग कर रखी है, देखिए ये मेरा मैं आपको बताता हूँ पोर्टुला की कटिंग कैसे लेनी है। यहाँ पे इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ चक्कर नहीं है, आप सिंपल से नॉर्मल सी कोई सी भी कटिंग यहाँ पे इस तरीके से तोड़ लीजिए इसको। आप चाहे तो हाथ से तोड़ सकते हैं या फिर कोई कटर से तोड़ सकते हैं, जो भी मोटी मोटी अच्छे से ब्रांचेज जो इसमें आप वो ले सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको थोड़ी दो चार कटिंगें भी लगा के बताऊँ एक बार आपको। इसकी सिर्फ इतनी इतनी सी साइज़ की आप ये कटिंग लगाइए, ज़्यादा बड़ी कटिंग लगाने की जरूरत नहीं, ये आराम से इसमें ग्रो करेगी। आप बस इसको इस तरह से तोड़िए, इसमें फंसा दीजिए यहाँ पे मिट्टी में, ये देखिए। आप इसकी सिर्फ 3-4 inch की जो कटिंग होती है वो लगाइए, इसको फिर एक बार वाटरिंग करिए अच्छे से, फिर इसको कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, अपने आप अच्छे से ग्रोथ करने लग जाएगा। आप चाहें तो इसमें मिक्स कलर के लगा सकते हैं। अभी मेरे पास जो पोर्टुलाका है उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही, तो मुझे कलर का पता नहीं पड़ पा रहा इसमें, तो जैसे फ्लावरिंग होगी उस अकॉर्डिंग मैं वापस मिक्स वाली एक बार कटिंग लगा लूँगा सारी इस तरीके से। तो आप छोटी छोटी कटिंग लगा सकते हैं और ये जहाँ आपको दिख जाए वहाँ से आप तोड़ के ले आइए, या तो या नर्सरी से एक बार एक पौधा खरीद के ले आइए। ये वैसे सीड से भी ग्रो जाता है, तो आप चाहें तो सीड्स इसके लगा सकते हैं, पर वैसे तो जहाँ तक मैं कहूँ आप कटिंग लगाएं आराम से, बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है ये। ये देखिए बस इस तरीके से आप लगा दें, चाहे तो ऊपर से मिट्टी डाल दी थोड़ी सी, वो वैसे ज़रूरत नहीं है उसमें, आपने दवाई दिया उसको अच्छे से, ये थोड़ा सा पानी डाल दो इसमें। वैसे तो उसकी सॉइल इसकी सॉफ्ट है भी ये तो सिर्फ मैं आपको लगाने के लिए कैसे लगाना उसको बताने के लिए कर रहा हूँ। और मैं आपको अपने कुछ प्लांट्स दिखाऊंगा हैंगिंग बास्केट वाले, जहाँ पे मैंने लगा रखे हैं। ये जितने भी प्लांट्स मैंने इसके बनाए हुए हैं सारे मैंने कटिंग से ग्रो करे हैं, उसके जब फ्लावरिंग आती है इसकी बहुत सही लगती है वो। आप गर्मी में इसको फुल सनलाइट में रखिए तो भी इस प्लांट आराम से सर्वाइव कर जाएगा। अब मैं आपको कुछ अपने प्लांट्स दिखाता हूँ, ये देखिए। इसके भी हमने थोड़े दिन पहले ये सॉफ्ट प्रूनिंग करी थी, साइड से जितनी ब्रांचेस थी वो काट दी, तो जो नई ब्रांच आ रही है वो बहुत ज़्यादा बुशी आ रही है, अच्छी हेल्दी प्लांट हो गई अभी ये देखिए। तो हो सकता है मोस्टली थोड़े टाइम में ये इसमें अभी फ्लावरिंग भी होने लग जाए, ये देखिए। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जिस तरीके से हैंगिंग बास्केट इसमें लगा रखे हैं सारे यहाँ पे। ये तो मेरा बेबी सनरोज का है, उसके अलावा ये मेरा पोर्टुलाका है। अभी देखिए आप कितना अच्छा बुश हो रहा है, जिसमें फ्लावरिंग आएगी तो अच्छे बंच में आएगी फ्लावरिंग। ऐसे मैंने बहुत सारी जगह यहाँ पे ये इस तरीके से लगा रखी है। ये यहाँ पे भी मैंने ये लगाए हैं, ये देखिए आप, ये यहाँ पे मैंने लौकी की बेल, करेले की बेल, ककड़ी की बेल लगाई है, जो अभी मैं आपको पूरा अपडेट इस पे दूंगा। मैं बाद में एक बार थोड़ा सा ग्रोथ हो जाए इसकी, इसको मैं ऊपर सपोर्ट दूंगा पाइप के सहारे।
आपकी बेस्ट प्लांट है। अब इसमें भी ज़्यादा फर्टिलाइजर की भी इसको किसी को नीड नहीं होती, आप चाहे तो बैलेंस एनपीके इसको दे सकते हैं ताकि अच्छे से ग्रोथ भी करे, और जब इसका फ्लावरिंग का टाइम आएगा तभी अच्छे से फ्लावरिंग भी करेगा। तो आप इसको अभी इस टाइम पर लगा लीजिए कटिंग से, अच्छा समर में ग्रोथ कर जाएगा ताकि ये, और आपको फुल सनलाइट में रख सकते हैं तब भी कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप इसमें पानी नॉर्मल दीजिए, जब इसकी सॉइल ड्राई हो जाए तब तक इसको तभी दे दीजिए पानी इसमें आप। ये बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है, अगर आप गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा किस टाइप का प्लांट लगाएं हैंगिंग बास्केट में, तो आप सबसे पहले ये लगा सकते हैं और बहुत आराम से ग्रोथ करेगा, आपको उसमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी इसको केयर करने में। ओके फ्रेंड्स, अगर कुछ आपकी सजेशन हो कुछ भी कमेंट्स, आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ मेरा पेज लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।